चौथा अध्याय चार प्रकार के प्रलय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों के होते हैं यह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को भी कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहते हैं। उस समय तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशायी भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मन में 100 वर्षों की और मनुष्यों की दृष्टि में दो प्रार्थ की आयु समाप्त हो जाती है, तब महातत्व अहंकार और पंच तत्व मात्र से ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंच महाभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़ करके कारण रूप में स्थिर हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार प्रलय के काल में उपद्रव से पीड़ित होकर के धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलय कालीन संवर्त सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सूख जाता है और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्त तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपेट और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड संवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गंध को ग्रस कर लेता है और अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेज सत्व ग्रस कर लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज गुण रूप को ग्रस कर लेती है और तेज रूप रहित होकर के वायु में लीन हो जाती है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाती है। इसके बाद तमाम अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस कर लेते हैं और आकाश शब्दहीन होकर तमाम अहंकारों में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठित देवता और इंद्रिया व्यक्तों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महातत्व अहंकार को और सत्वादि गुण महातत्व को ग्रस कर लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की ही महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्राकृतिक शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों में लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल की अव्यक्त वर्षा मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति के स्थूल अथवा सूक्ष्म से वाणी मन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण महातत्व आदि विकार प्राण वायु इंद्री और उसके देवता आदि कुछ भी नहीं रहते। प्रकृति के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उसकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न जागृत और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती।
आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अवयव को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृतिक प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, अब अत्यधिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बताया जाता है। बुद्धि, इंद्री और उसके विषयों में रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उस समय तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप, ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्री और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है, जैसे रज्जुरूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं बुद्धि की ही है। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राग्ञ रूप नानत्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानत्व का एकमात्र सत्य आत्मा में कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होता है और कभी नहीं होता। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उसके कारण हैं। और जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उनके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत में अभाव में इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है, परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण प्रभाव भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव अपेक्षित है, अन्योन्याश्रित है। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए वे भी स्वाप्निक भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है ही कि परमार्थ सत्य वास्तु में नानत्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तुओं में नानत्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश का आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य तथा बाह्य वस्तु और अनंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने के अनेक रूपों में गढ़ गला कर तैयार कर लेता है और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेक रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्र के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधा पर बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़क से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब यह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थिर हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही अत्यधिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रुधमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर
तिनके तक जितने प्राणी पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य स्वरूप से उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदली हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चित होता है कि देह आदि भी काल स्वरूप सोते के वेग से बहते बदलते चले जा रहे हैं। इसीलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुम्हें चार प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा स्वरूप रस के सेवन के अतिरिक्त कोई और साधन कोई और नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था। उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृपा द्वैपायन को, महाराज उन्हीं बद्रीवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश दिया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उस वेद को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। पांचवा अध्याय, श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्होंने भी प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति की है। हे रजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना आगे पुत्र पौत्रादि के शरीर रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जैसे आग लकड़ी की सर्वथा अलग रखती है, लकड़ी ही उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग श्मशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं में से सर्वथा परे है, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाका शताका की निवृत्ति हो जाने से लोगों की ऐसे प्रतीत होती है कि वह महाकाश से मिल गया है। वास्तव में वह मिला हुआ था ही, वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया है। वास्तव में वह ब्रह्म था ही, उसकी ब्रह्मात्मा तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कामों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल तेल रखने का पात्र बाती और आग का सहयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपन है। वैसे ही उसके समान जब तक आत्मा का कर्म मन शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के समान संबंध रखता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के संसार चक्र में भटकना पड़ता है और रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्ति से उसे उत्पन्न स्थिर एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे ही दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता।
क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चित्त में भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्रह्मा के पास से श्रापित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थिर कर लो। उस समय अपनी विषैले जीभ लिपटाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखो। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो।